नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। केवीएससी ने आपका जो जेएसए और लाइब्रेरियन के जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, सीबीटी जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें सिर्फ आपको ये पता था कि कितने लोग क्वालिफाई हो सीपीटी टेस्ट के लिए, टाइपिंग के लिए, ठीक है, कितने लोग क्वालिफाई किए हो उसकी लिस्ट आई थी, लेकिन मार्क्स किसी का भी नहीं शो किया गया था कि आपके मार्क्स कितने हैं। लेकिन आज सीबीएसई के कहने पर केवीएस ने आपके नॉर्मलाइज जो मार्क्स हैं उसको भी शो करा दिया गया है, जो आपके सीबीटी में, जो मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो हुआ था, उसमें आपका जो है, ये आप नोटिस देख रहे होंगे, आज ही ये नोटिस जारी की गई है केवीएस के द्वारा। ध्यान दीजिए, केवीएस के द्वारा ये नोटिस जारी की गई है, बोला गया है कि जो द नॉर्मलाइजेशन मार्क, जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन सीबीटी फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसए एंड लाइब्रेरियन हैज बीन डिस्प्ले इन द एप्लीकेशन लॉगिन। मतलब जब आप अपना एप्लीकेशन लॉगिन करोगे तो वहां पे आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर दिखाएगा कि आपके कितने बढ़े हैं, कितने घटे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो जो लोग सेलेक्ट हुए, जो नए सेलेक्ट हुए, सबका मार्क्स आ चुका है। अब दूसरा इंफॉर्मेशन मुझे ये देना था कि जो आपका सीपीटी हुआ बच्चों, ये सीपीटी आपका एक तरह से बोला जाए आपके साथ खेल हुआ है। सिंपल सी मैं बात करूं तो सीपीटी में आपके अलग अलग जगह पर अलग अलग लेवल में धांधली हुई है। एक तो सीपीटी का सिलेबस जो था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं, आउट ऑफ सिलेबस आपके क्वेश्चन दिया गया। इस पर जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं बोल रहे थे सर आप लाइव आके बता दिया करिए कि कब जाना है। मैं ग्रुप पे भी बता देता हूं, जैसे मैंने एक वीडियो जब बनाई थी आप लोगों का, जिस दिन सीपीटी का एग्जाम था उसी के जो भी डेटा हमें कलेक्ट हुए थे, कहीं जगह आपके बच्चों ने टाइपिंग टेस्ट देने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि अलग जो कोई और बंदा दूसरे का टेस्ट दे रहा है, मतलब हैकिंग चल रही है, अलग अलग लोग जो है एक तरह से बोला आके टेस्ट दे रहे हैं। ऊपर से जो बोला जाए कि सीपीटी का जो एक तरह से बोला जाए इसका इंग्लिश और हिंदी मीडियम था कि क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी मीडियम में रहेगा, लेकिन एडमिट कार्ड में लिखा था लास्ट टर्म पे केवीएस इसे भी बदल देती है। लास्ट में आप एडमिट कार्ड जब नया कुछ लोग जिस दिन आया था उस दिन तो आपका इंग्लिश और हिंदी लिखा था, मैंने भी वीडियो बनाया था, मेरे पास भी सबूत है, लेकिन बाद में चेंज हो गया कि इसका मोड इंग्लिश कर दिया गया सीबीटी का, उसका कोई नोटिस नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात कि जब आपने एडमिट कार्ड में चेंजेस किया तो आपको नोटिस देना चाहिए था, कोई नोटिस नहीं आया, शायद बच्चे यही बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आप गलत हुआ है और इस गलत पे अब एक तरह से बोला जाए कोई मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। एक तो बड़ी बात कि गलत हुआ है तो आवाज उठा जो रहे हैं बच्चे उनमें में एकता नहीं है, ठीक। ये आपकी लड़ाई है, ना मेरी है, ना किसी इंस्टीट्यूशन की है। आपको रोजगार मिलेगा, आप में से ही बच्चे, जब उस दिन आपका सीबीटी जो भी जैसा हुआ, मैं आया बस वीडियो बनाया, आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया, इकट्ठा किया, अलग अलग राज्य के बच्चे उसमें जुड़े, 1000 प्लस आपके बच्चे उस ग्रुप में हो गए। उसके बाद से बच्चे जब केवीएस हेडक्वार्टर गए, मेल करने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, हेडक्वार्टर गए तो मात्र के अगर हम बात करें ओवरऑल आपके 7000 बच्चों का हुआ था ना, 7000 में अगर 3000 भी, 2000 भी, 1000 भी पहुंच गए होते तो मीडिया की नजर आप पे पड़ी होती, लेकिन यही 20 40 50 100 बच्चों से क्या होने वाला है, कुछ नहीं। ऊपर से जो बच्चे नहीं गए वो घर पे हमसे फोन करके, उन बच्चों से फोन करके जा नहीं रहे हैं, अपडेट क्या है, क्या हुआ अपडेट। बच्चे जो बेचारे इतने धूप में अपना घर छोड़ के कहीं से दूसरे दूसरे राज्य से ट्रेवल करके आ रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं हम बहुत दूर हैं नहीं आ सकते हैं। अरे भैया सब लोग दूर हैं, सब लोग अलग अलग राज्य से हैं, केवीएस की वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया की थी, तो आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। आपकी लड़ाई है, आप सभी मिलकर जब जाओगे, इकट्ठा होगे, तभी जाके कुछ सुनवाई होगा, अदरवाइज आप भूल जाओ, फिर किसी और वैकेंसी का आप तैयारी करो, क्योंकि हर वैकेंसी में एनटीए है, हर वैकेंसी आपकी ऐसे ही होगी, आप इतना जान लो, ठीक है। यहां पे आपकी संख्या बहुत कम है, आपकी बातों को दबा दिया जाएगा, सिंपल सी बात है, कोई नहीं कुछ सुनने वाला है। जहां संख्या ज्यादा होती है तो चलो एक बार समझ में आता है,
इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि आप लोग सब लोग जब एक डेट डिसाइड करो कोई भी ग्रुप में, तो बता दो 3-4 दिन पहले से, क्योंकि अलग अलग राज्य के बच्चे हैं, आने में समय लगेगा, लेकिन बच्चों जरूर आओ। जो डेट डिसाइड होती है बच्चे डिसाइड करते हैं, आप लोग उस दिन जरूर मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग पहुंचने की जरूर कोशिश करिए, क्योंकि जितने लोग रहेंगे तभी जाके कुछ एक तरह से बोल सकता है पॉजिटिव रिस्पांस आ सकता है। इससे पहले जब बच्चे गए थे कल, उसमें यह हुआ कि आपका जो भी कंप्लेन था उसको रख लिया गया, बच्चों को टहलाया गया कि ये सीबीएसई कराई है, सीबीएसई के सब कुछ था, सीबीएसई से मिली है, सीबीएसई ने बोला जो केवीएस हमें फॉर्मेट दी थी हमने उसी तर्ज पे कराया, तो एक तरह से घुमाया गया उनका मोहर लगा के और रख लिया गया कंप्लेन, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अगर जल्दी प्रतिक्रिया नहीं आई तो ऐसे ही रिजल्ट आ जाएगा, और जो बच्चे जिस सेंटर पर धांधली हो रही थी चाहे जो भी चीजें हो रही थी उसका उनके पास प्रूफ होते हुए भी वो एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा देखकर एग्जाम ना देने का निर्णय लिया, और इस वजह से वो हो सकता है कि नॉट क्वालिफाई हो जाए। अगर केवीएस इन सब प्रतिक्रिया पर अपनी नजर नहीं डालेगी तो बहुत ही बुरा परिणाम होने वाला है, ये जानने लीजिएगा, बहुत ही बुरा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, बच्चों ने कल का भी डेट रखा है, लेकिन मैं उन बच्चों से ग्रुप वालों से बोलना चाहता हूं भाई कि कुछ डेट ऐसा रखो कि थोड़ा टाइम दो बच्चों को। आप अभी कल होके आए हो और 17 तारीख का फिर से डेट रखे हो, ऐसा टाइम दो सबसे एक कि आप सभी लोग उस दिन एकदम किसी एनी हाउ आप लोग प्रेजेंट रहो, ठीक है। जब भीड़ रहेगी तो मीडिया आपको जरूर कवर करने आएगी, और जब मीडिया कवर करेगी तब आप अपनी बातों को रख सकते हो, और जब मीडिया में आएगा तभी जाके हो सकता है कि कुछ रिस्पॉन्स मिले। उसके बाद भी आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है तो बस लास्ट ऑप्शन आपके पास है कि आप सभी ग्रुप बना के न्यायालय का दरवाजा पे खटखटाइए, आप कोर्ट फाइल करिए, आप जो है रिट्स दायर करिए कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, पहले एडमिट कार्ड में चेंजेस भी हुआ तो उसके नोटिफिकेशन हमें नहीं मिले, अपडेट नहीं मिले, ठीक है। उसके बाद से जो क्वेश्चंस थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे सीपीटी के, तो ये सब चीजें कुछ आरक्षित चीजें जो है हमने देखा अपने सेंटर पे, तो ये सब चीजें आप डाल के केस रिट्स जो है डाल सकते हैं, जिसके वजह से क्योंकि एक रिट्स ही है जो आपका कहीं ना कहीं केवीएस के परिणाम को अब आने से रोक सकता है। अगर रिट आपकी एक्सेप्ट हो जाती है तो केवीएस बाध्य हो जाएगा कि इन सवालों का जवाब उन्हें देना पड़ेगा। एनी हाउ अभी आपके सामने नहीं दे रही है लेकिन न्यायालय के सामने उसको देना पड़ेगा, तो ये बात ध्यान रखिए, लेट मत करिए। अगर आपको फिजिकली हेडक्वार्टर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप सभी ग्रुप बनाइए और एक वकील करिए और उसके पास से आप रिट्स दायर कर लीजिए, ठीक है। जाहिर सी बात है कि इससे कुछ ना कुछ आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ यही एक जरूरी सूचना था, कुछ बच्चे जो है कल जा रहे हैं, तो जो भी बच्चे दिल्ली के आसपास हैं, जो भी पहुंचने में एक दिन में मतलब पहुंच सकते हैं, ठीक है, वो पहुंचिए, उनका सपोर्ट करिए, देखिए हो सकता है कुछ रिस्पॉन्सेस आपको देखने को मिले। तो यही एक सूचना थी, और प्लस ये आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी आ गया, इसको भी आप लोग देख लीजिए कि कितने आपके स्कोर सीबीटी में रहे हैं, ठीक है। सीबीटी का स्कोर है, सीपीटी का मत समझना। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा ले रहा हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।